बढ़ते कोरोना के बीच फतेहाबाद के एमपी सोत्र गांव के एक व्यक्ति ने बड़ा दावा किया है। व्यक्ति का कहना है कि होम्योपैथी की दवा के जरिए कोरोना को मात दी जा सकती है। कोरोना से आज पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लाखों लोग कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन इसी बीच फतेहाबाद से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल जिले के एमपी सोत्तर गांव के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वो होम्योपैथी चिकित्सा के जरिए कोरोना का कामयाब इलाज कर रहा है। वहीं इस शख्स का कहना है कि उसकी दवा से अब तक कोरोना के कई मरीज ठीक हो चुके हैं। मामले में हैरानी इस बात की भी है कि शख्स के पास ना तो कोई ऑथेंटिक डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। होम्योपैथिक मेरी हॉबी है, इसमें होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है वैक्सीन नाम से, पहले ही आ रही है, कोई अब नहीं है, कोई मैं घर नहीं बनाता, तो उसकी मेरे को नॉलेज है। मैं जितने को भी है पहले दी है उनको, किसी को ये कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं तो अपने हिसाब से फ्री में ही दे रहा हूँ। और इसका जो पॉजिटिव हो जाए उसके लिए चार दवाइयों का कम्बिनेशन है बना के, जो अलग अलग आते हैं उनको खर्च करके दे रहे हैं। उसमें एक्ोनाइट है, आर्सेनिक है, ब्रोनिया है और चाइना सल्फ है। उनको चार को मिक्स करके दे दो, आधे आधे घंटे में 5-6 खुराक दे दो, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसे पूरी तरह से भ्रामक और गलत करार देते हुए अभी तक कोरोना की किसी भी दवा होने से इनकार किया है और ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की भी बात कही है। एक्चुअली ये आप लोगों के माध्यम, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को ये सूचना मिली है। ऐसी कोई ऐसी बहुत सारी बकवास बातें हैं जो कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर 8 वैक्सीन हैं, वो अंडर ट्रायल हैं, इसमें 3 लास्ट स्टेज अंडर ट्रायल स्टेज 3 में चल रही हैं, अभी उनका वैक्सीन ट्रायल चल ही रहा है। ऐसी कोई ना दवाई बनी है ना कोई ट्रायल वैक्सीन में, भी वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत लगे हुए हैं। उसमें अंडर फेज 3 ट्रायल में अभी लास्ट स्टेज में अभी 3 वैक्सीन हैं जो इंडिया की, वो अभी फेज 3 में चल रही हैं। सरकार की ऐसी कोई दवाई आज तक संज्ञान में ना तो आई है और ना ही हमें किसी न्यूज पेपर या किसी रिसर्च पेपर के माध्यम से पता चली है। तो इस तरह की दवाई जो है कोई हमारे संज्ञान में नहीं है जो आप लोग बता रहे हो, ये निराधार लगता है, गलत प्रतीत हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यक्ति के दावे को सिरे से नकार दिया है और लोगों को कहा है कि इस भ्रम में न पड़े और लोगों को ये भी कहा है कि कोविड के तहत बने प्रोटोकॉल का ही पालन करें।